हेलो डियर स्टूडेंट्स एंड फ्रेंड्स, कैसे हैं आप लोग। उम्मीद करता हूं आप सभी लोग ठीक होंगे। फ्रेंड्स, आपका एक बार फिर से स्वागत है हमारे यूट्यूब चैनल मेडी साइंस ट्यूटोरियल में। फ्रेंड्स, आज का क्लास हमारा एच एंड ई स्टेन पे होने वाला है। ये स्टेन आपके हिस्टोपैथोलॉजी में सबसे ज्यादा यूज किया जाता है। इसको आप रूटीन स्टेन के रूप में भी जान सकते हैं। फ्रेंड्स, कुछ स्पेशल स्टेन भी है आपके हिस्टोपैथोलॉजी में, जैसे आपका वान कोसा स्टेन हो गया, आपका रेटिकुलर स्टेन हो गया, बट ये स्पेशल रूप से यूज किए जाते हैं। हर बार इसको हम यूज नहीं करते, मगर हमको रूटीन में यूज करना है तो हम एच एंड ई स्टेन का उपयोग करते हैं। फ्रेंड्स, हिस्टोपैथोलॉजी के अगर लेक्चर की बात करें तो सबसे पहले हम लोगों ने टिश्यू प्रोसेसिंग को पढ़ा था। तो उसके बाद में क्या होता है, टिश्यू प्रोसेसिंग के बाद हम लोग को क्या करना होता है, अपने टिश्यू को कट करना होता है। तो हम लोगों ने माइक्रोटोमी पढ़ा और माइक्रोटोम कितने प्रकार के होते हैं इसके बारे में पढ़ लिया। और जो हमारा टिश्यू कट जाता है, स्लाइड बन जाता है, तो उसके बाद में हमें स्टेनिंग की जरूरत पड़ती है। तो जो स्टेन हम लोग यूज करते हैं उसके बारे में पढ़ने वाले, यानी कि जो रूटीन स्टेन होता है हमारा एच एंड ई, इसके बारे में हम लोग यहाँ पे पढ़ने वाले हैं। तो चलिए फ्रेंड्स, क्लास को स्टार्ट करते हैं। फ्रेंड्स, अगर आप एच एंड ई स्टेन के बारे में डिटेल जानना चाहते हैं तो लेक्चर के अंत तक बने रहिएगा। इस लेक्चर को लेने के बाद चाहे आपका कोई होम एग्जाम हो या फिर आपका कोई कम्पिटेटिव एग्जाम हो, यहाँ से आने वाले सभी प्रश्न को आप सॉल्व कर ले जाएंगे। चलिए फ्रेंड्स, सबसे पहले हम जानते हैं कि एच एंड ई स्टेन में एच क्या होता है और आपका ई क्या होता है। तो फ्रेंड्स, अगर हम बात करें एच के बारे में तो एच होता है आपका हीमोटॉक्सिलिन। क्या हो जाता है आपका? हीमोटॉक्सिलिन। और अगर बात करें ई के बारे में तो ई आपका हो जाता है यहाँ पे ईओसिन। क्या हो जाता है? ईओसिन। अब फ्रेंड्स, आपके मन में ये बात आ रहा होगा कि हीमोटॉक्सिन है क्या और ईओसिन क्या है। तो फ्रेंड्स, ये दोनों आपके एक प्रकार के डाई है। क्या है आपके? डाई है। डाई का हिंदी आपका होता है यहाँ पे रंजक। क्या होता है? रंजक होता है, ठीक है। अब फ्रेंड्स, आपके मन में ये भी बात आ रहा होगा कि ये डाई क्या होता है, ठीक है, क्या डाई क्या होता है। तो हम आपको बता देना चाहते हैं कि दुकान पे आप रंग लेने जाते हैं ना, या फिर आप जब होली खेल रहे होते हैं तब आप कलर लेते हैं, या फिर आपके यहाँ पे घर पे कोई शुभ काम होने वाला है तब आप कलर लेते हैं। तो जब आप वो जो कलर लेकर आते हैं उसको क्या कहते हैं, अगर बायोलॉजिकल तरीके से देखें तो आपका एक डाई होता है, ठीक है। और उस चीज को जब आप कहीं यूज कर लेते हैं तो आपका वो क्या कहलाता है? स्टेनिंग कहलाता है, ठीक है। बायोलॉजिकल तरीके से इसको क्या कहलाएंगे? स्टेनिंग कहेंगे, ठीक है। तो डाई आपका जो कलर लेकर आए वो डाई हो गया, और वो आपका जो प्रयोग किए वो आपका क्या हो गया? स्टेनिंग हो गया। अब फ्रेंड्स, अगर आपके मन में ये भी बात आ रहा होगा कि इस डाई का उपयोग हम स्टेन करें, यानी टिश्यू जो हमारे होते हैं इनको स्टेन करने के लिए क्यों नहीं कर लेते, तो फ्रेंड्स ये जो आर्टिफिशियल डाई होते हैं इनका हम उपयोग टिश्यू के लिए नहीं कर पाते हैं, क्योंकि ये उसके लिए सस्टेनेबल नहीं होते हैं, ठीक है। आपका अगर टिश्यू के लिए इसको यूज कर लिए तो आपका टिश्यू में कुछ ना कुछ यहाँ पे प्रॉब्लम आ ही जाएगा, ठीक है। तो इसीलिए हम इस प्रकार के डाई का उपयोग नहीं करते हैं। किसी टिश्यू को स्टेन करने के लिए उसके स्पेशल डाई का यहाँ पे उपयोग किया जाता है, ठीक है। और हम आपको बता दें, डाई आपका दो प्रकार से होता है, ठीक है। बायोलॉजिकल तरीके से देखा जाए तो ये दो प्रकार से होता है। एक आपका होता है नेचुरल, ठीक है, नेचुरल डाई। एक आपका हो जाता है यहाँ पे आर्टिफिशियल डाई, ठीक है। क्या हो जाता है? आर्टिफिशियल डाई, ठीक है। फ्रेंड, थोड़ा सा हमारी यहाँ पे राइटिंग ज्यादा अच्छी नहीं है तो कि आप समझ लीजिएगा, ठीक है। तो ये आपके एक हो जाता है नेचुरल डाई, एक आपका हो जाता है आर्टिफिशियल डाई। अब यहाँ पे हम देखते हैं कि हीमोटॉक्सिलिन किस प्रकार का डाई है, ईओसिन किस प्रकार का डाई है, या कौन कौन से करेक्टर होते हैं आपके हीमोटॉक्सिलिन के, कौन कौन से करेक्टर होते हैं आपके ईओसिन के। तो चलिए सबसे पहले हम करेक्टर देखते हैं आपके यहाँ पे हीमोटॉक्सिलिन के, किसके? हीमोटॉक्सिलिन के, ठीक है। तो फ्रेंड्स, यहाँ पे हम सबसे पहले आपको बता देना चाहते हैं कि हीमोटॉक्सिलिन जो है ये आपका एक प्रकार का नेचुरल डाई है। क्या है आपका? नेचुरल डाई है। अब आपके मन में ये भी प्रश्न आ रहा होगा कि अगर नेचुरल डाई है तो इसका मतलब इसको हम कहीं नेचुरली तरीके से प्राप्त करते होंगे। तो जी हाँ फ्रेंड्स, इसको हम क्या करते हैं, कैंपेचियम नामक एक पौधा होता है, ठीक है। कौन सा नामक पौधा? कैंपेचियम नामक, चियनम, ठीक है, चियनम, चियनम नामक एक पौधा होता है। इस पौधे के तने से इसको हम प्राप्त करते हैं, नामक पौधे या फिर पेड़ के तने से, ठीक है, के तने से इसको हम क्या करते हैं, प्राप्त करते हैं, ठीक है। अब फ्रेंड्स, अगर बात करें हीमोटॉक्सिलिन के बारे में तो ये एक स्टेन बेस्ड है, रूटीनली इस स्टेन को हम यूज करते हैं, बट इसका जो प्रॉपर्टी होता है ये पोअर स्टेनिंग का प्रॉपर्टी होता है। क्या? पोअर स्टेनिंग के प्रॉपर्टी होती है। अब आपके मन में आ रहा होगा सर जी कि पोअर स्टेनिंग क्या होता है, तो फ्रेंड्स पोअर स्टेनिंग का मतलब होता है, मान लीजिए कि आपका ये टिश्यू है, ठीक है, आपके स्लाइड पे लगा हुआ एक टिश्यू है, ठीक है, और हमारा ये जो हीमोटॉक्सिलिन स्टेन है इसको जब हम टिश्यू पे ले जाएंगे तो इतना अच्छे से ये वर्क नहीं करेगा, इतना अच्छे से यहाँ पे ये स्टेन नहीं देगा। इसके लिए हमें उपयोग करना होता है एक और केमिकल का उपयोग, जिसका नाम होता है मॉर्डेंट, ठीक है। क्या होता है? मॉर्डेंट। अब आपके मन में आ रहा होगा कि आखिर में मॉर्डेंट होते क्या है,
तो फ्रेंड्स जो स्टेनिंग होते हमारे, ठीक है, जैसे हेमोटॉक्सिन हो गया और टिश्यू, तो टिश्यू और टिश्यू और एच के स्टेनिंग के बीच में जो लिंकेज का काम करता है, ठीक है, लिंकेज का काम करता है, इसको क्या कहते हैं, मॉर्डेंट कहते हैं। ये लिंकेज क्या करेगा, ये दोनों चीज मतलब कि जब ये बीच में आएगा आपके एच एंड यानी हीमोटॉक्सिलिन और टिश्यू के बीच में, तो ये बेटर यहाँ पे कलर देगा और आपका जो टिश्यू होगा ये आपका यहाँ पे कलर हो जाएगा। जैसे आप यहाँ पे अगर ग्राम स्टेन में देख पा रहे होंगे तो ग्राम स्टेन में जो मॉर्डेंट हम यहाँ पे यूज करते हैं वो आपका आयोडीन होता है, ठीक है। तो यहाँ पे एक कॉम्प्लेक्स बन जाता है, जब आप मॉर्डेंट को यूज कर रहे होते हैं तो एक कॉम्प्लेक्स का फॉर्मेशन हो जाता है और वहां पे आपका जो स्टेनिंग प्रक्रिया हो रही थी है वो यहाँ पे क्या हो जाती है, आपकी पूर्ण हो जाती है, ठीक है। तो अगर हम बात करें हीमोटॉक्सिलिन में कौन से मॉर्डेंट का उपयोग करते हैं, तो मेनली दो यहाँ पे मॉर्डेंट का उपयोग करते हैं, एक एल्युमिनियम का, ठीक है, एक एल्युमिनियम का, ठीक है, एल्युमिनियम का उपयोग करते हैं और एक आपका यहाँ पे आयरन का उपयोग किया जाता है, ठीक है। तो जो आपका हीमोटॉक्सिलिन होता है ना, ये आपका क्या होता है, नेचुरली होता है, बट जब यहाँ पे हम मॉर्डेंट इसमें मिला देते हैं तो ये एक आर्टिफिशियल के रूप में जाना जाने लगता है और एल्युमिनियम और आयरन के मॉर्डेंट के अनुसार ही हीमोटॉक्सिलिन को कई भागों में बांटा गया है। माने कि जो एल्युमिनियम मॉर्डेंट होते हैं इसके आधार पर बात करें तो कई सारे हीमोटॉक्सिलिन आपके बन जाते हैं और आयरन के बेस पे बात करें तो कई सारे आपके यहाँ पे हीमोटॉक्सिलिन यहाँ पे हो जाते हैं, ठीक है। तो अलग अलग यहाँ पे अलग अलग टिश्यू के लिए इनका उपयोग करते हैं, अलग अलग सैंपल के लिए इनका उपयोग करते हैं। अब हम बात करते हैं हीमोटॉक्सिलिन के बारे में कि ये आपका क्या है, तो ये आपका यहाँ पे ये आपका कौन सा स्टेन है, ये आपका बेसिक स्टेन है, ठीक है। क्या है, बेसिक डाई के रूप में इसको हम यूज करते हैं, यानी कि इसका जो प्रकृति होता है क्या होता है, क्षारकीय होता है, ठीक है, क्षारकीय होता है, ठीक। और एक बात और जान लीजिए, ये करता क्या है, यानी कि आपका मान लीजिए सेल है तो इस सेल में कहां पे स्टेन करेगा, तो आपका जो न्यूक्लियस होता है, ठीक है, इस न्यूक्लियस पे ये स्टेन करता है, ठीक है। यहाँ पे आप देख लीजिए, यहाँ पे देख नहीं पा रहे होंगे, तो मान लीजिए आपका ये क्या है, एक सेल है, ठीक है। सेल में दो चीजें होती है, एक आपका यहाँ पे न्यूक्लियस होता है, ठीक है, और एक आपका क्या होता है, साइटोप्लाज्म होता है, ठीक है। ये आपका भाव क्या हो जाता है, साइटोप्लाज्म हो जाता है, ठीक है। तो न्यूक्लियस को कौन स्टेन करता है, हीमोटॉक्सिलिन क्या करता है, न्यूक्लियस को स्टेन करता है। तो यहाँ पे मैं मेंशन भी कर दे रहा हूँ कि जो हीमोटॉक्सिलिन है ये आपके किसको स्टेन करता है, आपके न्यूक्लियस को स्टेन करता है, ठीक है। तो आपको यहाँ पे समझ में आ गई होंगी हीमोटॉक्सिलिन के बारे में कौन कौन सी बातें। तो पहली बात तो ये आपका नेचुरल डाई होता है, ठीक। दूसरी बात में अगर ये नेचुरल डाई है तो इसको कहीं से नेचुरल तरीके से प्राप्त करते होंगे, तो ये आपके कैंचेनम नामक कैंपेचियनम नामक पेड़ से, पेड़ के तने से प्राप्त करते हैं, ठीक है। ये पोअर स्टेन होता है, पोअर स्टेन का मतलब आप समझ गए होंगे कि इन दोनों के यानी कि टिश्यू और एच स्टेन यानी हीमोटॉक्सिलिन स्टेन के बीच में एक हमको और कोई चीज लानी पड़ेगी जिससे यहाँ पे इनका क्या हो पाए, बाइंडिंग हो पाए, ठीक है। तो उसको हम क्या कहते हैं, मॉर्डेंट कहते हैं। मॉर्डेंट आपका लिंकेज के रूप में काम करता है, ठीक है। अगर हम हीमोटॉक्सिलिन के रूप में बात करें तो एल्युमिनियम यानी कि एलम, इसको एलम भी कह सकते हैं, ठीक है, एलम और आपका आयरन, दो प्रकार के मॉर्डेंट का उपयोग यहाँ पे किया जाता है और इन्हीं के आधार पे हम हीमोटॉक्सिलिन को फर्दर दो भागों में डिवाइड करते हैं और ये इनके सारे कई प्रकार हो जाते हैं, ठीक है। तो अगर हम सारे प्रकार को यहाँ पे पढ़ने लगेंगे तो लेक्चर आपका बहुत ज्यादा लंबा हो जाएगा। तो हीमोटॉक्सिलिन के बारे में एक हम सेपरेट लेक्चर लेंगे, ठीक है, जिसमें हम केवल उनके प्रकार के बारे में बात करेंगे तो अच्छा रहेगा, ठीक है। उसके बाद में हीमोटॉक्सिलिन के बारे में हमने क्या देखा कि एक आपका ये बेसिक डाई होता है यानी कि क्षारकीय प्रकृति का होता है और एक इसको स्टेन करता है, जो आपका सेल होता है इस सेल के न्यूक्लियस को स्टेन करता है, इसके न्यूक्लियाई को ये स्टेन करता है, ठीक है। अब चलिए फ्रेंड्स इसको देख लेते हैं, इसका को हम बना कैसे सकते हैं, ठीक है, यानी कि ये जिसे मान लीजिए हीमोटॉक्सिलिन को आपको प्राप्त है, ठीक है, पेड़ से आप ले लीजिए, ठीक है। तो इसको अच्छे तरीके से लिक्विड फॉर्म में बनाना है तो हम इसको कैसे बनाएंगे, ठीक है। तो सबसे पहले इनमें कौन कौन सी चीजें की आवश्यकता होगी, तो सबसे पहले आपको हीमोटॉक्सिलिन की आवश्यकता होगी, किसकी आवश्यकता होगी, हीमोटॉक्सिलिन की आवश्यकता होगी, ठीक है। तो हीमोटॉक्सिलिन की कितनी आवश्यकता होगी, आपका एक ग्राम, ठीक है, एक ग्राम आपका यहाँ पे हीमोटॉक्सिलिन चाहिए, ठीक है, बहुत ज्यादा हिल रहा है यार ये तो, ठीक है। दूसरा आपका यहाँ पे क्या चाहिए, आपका यहाँ पे एल्कोहल चाहिए, क्या चाहिए, एल्कोहल चाहिए, ठीक है, एल्कोहल चाहिए, कितना आपका 10 ml होना चाहिए। उसके बाद में आपकी यहाँ पे फिटकरी चाहिए, क्या चाहिए, फिटकरी है, ठीक है, फिटकरी कितना चाहिए आपका, 20 ग्राम है, ठीक है, 20 ग्राम आपका फिटकरी होना चाहिए। उसके बाद में आपका यहाँ पे वाटर होना चाहिए, ठीक है, डिस्टिल वाटर होना चाहिए, कितना होना चाहिए, 200 ml होना चाहिए। उसके बाद में आपका एक चीज और काम आएगा, मर्क्यूरिक क्लोराइड, क्या आएगा यहाँ पे, मर्क्यूरिक ऑक्साइड, सॉरी क्लोराइड नहीं, मर्क्यूरिक ऑक्साइड, ठीक है। तो मर्क्यूरिक ऑक्साइड कितना चाहिए, 0.5 ग्राम, ठीक है। अब देखिए इसको बनाते कहते हैं, ठीक है, बहुत इंपॉर्टेंट चीज है, क्योंकि अगर आप इसको समझ गए ना तो समझिए पूरे HND स्टेन के बारे में समझ जाएंगे। प्रोसीजर तो आप मतलब प्रोसीजर अगर आप कर रहे हैं बार बार ना, उसको तो आपको रन हो जाएगा, ठीक है, उसके बाद में रिजल्ट भी समझ लेंगे, ठीक। बट यही मेन चीज होती है कि इसका जो
फंक्शन होता है, मतलब प्रिंसिपल क्या होता है, किस प्रकार से ये वर्क कर रहा होता है, ठीक है, किस प्रकार का स्टेन है, यही सब चीजें आप लोग जान नहीं पाते हैं और यही सब ज्यादा चीजें आती हैं। एग्जाम में आपके जो ये आपका एलम है यानी कि ये जो क्लासिफिकेशन हुआ है आपका, ये भी आता है, तो इसको हम नेक्स्ट लेक्चर में देख लेंगे, ठीक है। बहुत सिंपल सा है, इसमें क्या है, कई प्रकार है और इसमें क्या क्या चीजें और मिला दी गई है इसी के बारे में बताया गया है, ठीक है। तो ज्यादातर जो साइंटिस्ट थे उन्हीं के नाम पे आपका यहाँ पे पड़ गया है, ठीक। तो चलिए अब देखते हैं कि कैसे इसको बनाएंगे, ठीक है। इतना हमें सामान की आवश्यकता होती है, पहला तो आपका यहाँ पे जीव बनाना है, हीमोटॉक्सिन बनाना है, तो हीमोटॉक्सिन 1 ग्राम की आवश्यकता होगी, एल्कोहल हमें चाहिए 10 ml, फिटकरी चाहिए 20 ग्राम, ठीक है, डिस्टिल वाटर चाहिए 200 ml, मर्क्यूरिक ऑक्साइड चाहिए आपको 0.5 ग्राम, ठीक है। अब चलिए देखते हैं इसको हम बनाएंगे कैसे, ठीक है। तो चलिए यहाँ पे देख लेते हैं, ठीक है। पहला नंबर आपको क्या करना है कि आपका जो ये अल्कोहल है, ठीक है, क्या है, अल्कोहल है, इसको जो आपका हीमोटॉक्सिन का रवा है, ठीक, 1 ग्राम ये रवा के रूप में रहता है, एक बार जान नहीं रखिएगा, ठीक है, रवा के रूप में रहता है। तो आपको क्या करना है, यहाँ पे आपका जो 1 ग्राम हीमोटॉक्सिन है इसको कहाँ पे मिला देना है, आपके अल्कोहल में मिला देना है, ठीक है, कहाँ पे मिला देना है आपको, अल्कोहल में मिला देना है, ठीक है। और आपका यहाँ पे क्या बन जाएगा, एक सोल्यूशन बन जाएगा, ठीक है। तो इसको सोल्यूशन नंबर 1 कह देते हैं, ठीक है, समझिएगा तभी आपको समझ में आएगा, ठीक है। सोल्यूशन नंबर 1 क्या क्या किए, हीमोटॉक्सिन को और जो आपका एल्कोहल था, 1 ग्राम हीमोटॉक्सिन को 10 ml आपका जो एल्कोहल था इसमें क्या किए हम लोग मिला दिए, ये आपका बन गया सोल्यूशन 1, ठीक है। अब क्या करना है, आपका जो ये फिटकरी है, ठीक, फिटकरी को गर्म करते हुए जल में घोल लेना, यानी कि आपका ये 200 ml का जल है, इसको क्या करना है, फिटकरी को गर्म करिए और जल में यहाँ पे घोलिए, ठीक है। तो फिटकरी यहाँ पे लिख लेते हैं, ठीक है, फिटकरी प्लस डिस्टिल वाटर, ठीक है, इसको क्या करना है आपको गर्म करना है, तो ध्यान रखिएगा यहाँ पे हम गर्म कर देते हैं, ठीक है, ये गर्म हो गया, ठीक, तो ये गर्म हो जाएगा, गर्म करने के बाद इसको सोल्यूशन नंबर 2 कर दीजिए, क्या है ये सोल्यूशन नंबर आपका क्या हो जाएगा, यहाँ पे 2 हो जाएगा, ठीक। उसके बाद में आप क्या करना है, सोल्यूशन नंबर 1 और 2 को क्या करना है, उबाल लेना है, ठीक है। देख लीजिए यहाँ पे सोल्यूशन नंबर 1 आपका जो है और सोल्यूशन नंबर आपका जो 2 है इसको क्या करना है, हमको उबाल लेना है, 1 नंबर और 2 नंबर इनको क्या करना है, उबालना है, ठीक। यहाँ पे फ्रेंड्स 2 स्टेप में समझना इसलिए जरूरी हो जाता है क्योंकि यहाँ पे आप देख पा रहे होंगे, पहले हम क्या कर रहे हैं, हीमोटॉक्सिन को एल्कोहल में मिला रहे हैं, ठीक है, और फिर फिटकरी को हम क्या मिला रहे हैं, डिस्टिल वाटर में मिला रहे हैं। तो सोल्यूशन नंबर यहाँ पे 1 बन जा रहा है, सोल्यूशन नंबर यहाँ पे आपका 2 बन जा रहा है, ठीक है। अब सोल्यूशन नंबर 1 में हम क्या किए हैं, सोल्यूशन नंबर में हीमोटॉक्सिन ए को एल्कोहल के साथ मिलाए, उसके बाद में बन गया हटा दिए, दूसरा नंबर जो सोल्यूशन था फिटकरी को डिस्टिल वाटर के साथ मिलाए, बट इसको हम क्या किए हैं, गरम किए हैं, और गरम करने के बाद अब क्या करेंगे कि सोल्यूशन जो हमारा 1 है, ठीक है, सोल्यूशन 2 में मिला देंगे, और जो हमारा सोल्यूशन यहाँ पे 2 नंबर का था ये पहले से ही गरम था, बट इसके बाद मिलाने के दोनों के बाद में भी हमको क्या करेंगे, इसको उबालेंगे, उबालने के बाद हमारा एक यहाँ पे रिएजेंट बच गया है, ठीक है, हमारा क्या था 0.5 ग्राम आपका क्या था यहाँ पे, मर्क्यूरिक क्लोराइड था, क्या था, सॉरी मर्क्यूरिक ऑक्साइड, बार बार क्लोराइड निकल रहा है, मर्क्यूरिक आपका यहाँ पे ऑक्साइड था, ठीक है। इसको जैसे ही मिलाएंगे आपका यहाँ पे जो सैंपल हो जाएगा क्या हो जाएगा, गहरा बैगनी कलर का हो जाएगा, ठीक है, गहरा क्या हो जाएगा, बैगनी कलर का हो जाएगा, जिससे आपको पता चल जाएगा कि आपका जो यहाँ पे सोल्यूशन था ये सही से बन गया है, यानी कि आपका जो रिएजेंट था वो यहाँ पे बन गया है। उसके बाद में पानी से धीरे धीरे इसको क्या कर लेंगे, ठंडा कर लेंगे, उसके बाद में ये यूज करने के लिए तैयार है। तो आप यहाँ पे समझ गए होंगे हीमोटॉक्सिन कैसे बनाया जाता है, एक बार हम आपको फिर से समझा देते हैं। सबसे पहले आपको हीमोटॉक्सिन और एल्कोहल को मिलाना है, उसके बाद में ये सोल्यूशन नंबर 1 हो जाएगा, उसके बाद में हमको दूसरा एक बीकर लेना है, समझिए, उसमें फिटकरी और डिस्टिल वाटर को मिलाना है, फिटकरी और डिस्टिल वाटर को मिला के गर्म करना है, गर्म करने के बाद क्या करना है, जो हमारा सोल्यूशन 1 था यानी कि एल्कोहल और हीमोटॉक्सिन का सोल्यूशन था, इसमें हमको फिटकरी और डिस्टिल वाला यहाँ पे मिला देना, ठीक है। और मिलाने के बाद क्या करना है, हमको फिर एक बार इसको उबाल लेना है, उबालने के बाद हमारा जो मर्क्यूरिक ऑक्साइड था 0.5 ग्राम, इसको क्या कर देना है, मिला लेना है। जैसे हम मिलाएंगे हमारा जो ये सोल्यूशन है आपका गहरा बैगनी कलर का बन जाएगा, बनने के बाद आपका जो यहाँ पे सोल्यूशन है तैयार है। इसके बाद में इसको पानी के द्वारा धीरे धीरे ठंडा कर लेते हैं, उसके बाद में इसको हम यूज करते हैं। अब आता है हमारा इओसिन। अब सबसे पहले जानते हैं इओसिन क्या होता है, ठीक है, क्या करेक्टर इनके हो सकते हैं, जस्ट उसके बाद में हम यहाँ पे प्रोसीजर को देखेंगे, उसके बाद में हम इसके रिजल्ट को देखने वाले हैं, ठीक है। तो चलिए फ्रेंड्स यहाँ पे हम इओसिन के बारे में जानते हैं, और इओसिन के बारे में जानने से पहले हम आपको ये भी बता दें कि अगर आपको हीमोटॉक्सिन सोल्यूशन कैसे बनाते हैं नहीं समझ में आया तो बिल्कुल परेशान मत होइए, हम टेलीग्राम पे इसका एक पीडीएफ भेज देंगे, वहां पे आप पढ़ के देख लीजिएगा, एकदम बिल्कुल सिंपल सा तरीका है, ठीक है, समझ में आ जाएगा, हिंदी इंग्लिश दोनों हो, वहां पे हम इसको भेज देंगे, आप वहां पे उसको समझ लीजिएगा, ठीक है। बहुत ही सिंपल तरीका है, बस थोड़ा सा कंफ्यूजन होता है दोनों सोल्यूशन बनाने के लिए, ठीक है। चलिए अगर हम इओसिन की बात करें तो इओसिन जो है आपके हिस्टोपैथोलॉजी में मोस्टली यूज किया जाता है,
और ये क्या होता है, एक प्रकार का साइटोप्लाज्म को स्टेन करता है, ठीक है, साइटोप्लाज्म को स्टेन करता है। तो ये आपके हिस्टोपैथोलॉजी में साइटोप्लाज्म को स्टेन करने के लिए सबसे ज्यादा इसको हम यूज करते हैं, ठीक है। और एक किस प्रकार का डाई होता है, तो ये एक प्रकार का एसिडिक डाई होता है, ठीक है, यानी कि इसका जो करेक्टर होता है क्या होता है, अम्लीय करेक्टर का होता है, क्या होता है, अम्लीय करेक्टर का होता है। और अगर इसके हम टाइप की बात करें, ठीक है फ्रेंड्स, इसके अगर हम टाइप की बात करें तो योसिन आपका कई प्रकार का होता है, जैसे पिंक योसिन होता है आपका, ठीक है, और एक आपका यहाँ पे हो जाता है रेड योसिन, ठीक, एक हो जाता है आपका यहाँ पे ऑरेंज, ठीक है, ऑरेंज योसिन जो आपके पेप स्टेन में सबसे ज्यादा यूज होता है। और अगर बात करें यहाँ पे येलो स्टेन, ठीक है, येलो आपके योसिन हो जाता है, जिसको हम क्या करते हैं, योसिन ऐसे लिख देते हैं, योसिन वाई, ठीक है। तो बहुत लोग सोचते हैं कि ये योसिन वाई क्या है, तो योसिन वाई का मतलब यहाँ पे आपका हो जाता है येलो से, ठीक है, योसिन येलो। तो आपके यहाँ पे कॉम्पिटिटिव में क्वेश्चन भी आता है कि एच एंड ई स्टेन में कौन से योसिन का उपयोग करते हैं, तो लोग रट लेते हैं कि योसिन वाई, योसिन वाई, लेकिन जानते नहीं है कि योसिन वाई का मतलब होता क्या है। तो यहाँ पे इसके कलर से मतलब है, इसके टाइप से मतलब है, योसिन येलो वाला हम यहाँ पे यूज करते हैं आपके एच एंड ई में, ठीक है। तो यहाँ पे कौन कौन सी बातें आपको समझ में आई, कि योसिन आपका हिस्टोपैथोलॉजी में सबसे यूज किया जाना स्टेन है, जो कि साइटोप्लाज्म को रंगता है, ये आपका एसिडिक डाई होता है, ठीक है, और इसका जो टाइप होते हैं, पिंक आपके होते हैं योसिन, रेड योसिन होते हैं, ऑरेंज योसिन होते हैं, येलो योसिन होते हैं, यानी कि योसिन वाई होता है, ठीक है। तो इतनी बातें आपको यहाँ पे समझ में आ गई होंगी। अब फ्रेंड्स यहाँ पे हम देखते हैं एच एंड ई, यानी कि दोनों आपका जो मिला देते हैं, एच एंड ई स्टेन का प्रिंसिपल क्या होता है, ठीक है, एच एंड ई स्टेन का प्रिंसिपल क्या होता है, किस सिद्धांत पे ये आधारित है। तो ऐसे आपको प्रिंसिपल तो यहाँ पे निकल आ गया होगा, ठीक है, अगर दोनों चीज आप पढ़ लिए, यानी कि हीमोटॉक्सिन और योसिन दोनों को अगर आप पढ़ लिए तो समझ में आ गया होगा प्रिंसिपल। बट यहाँ पे आपको बता देना चाहते हैं, तो जो आपके प्रिंसिपल में अगर बात करें, ठीक है, इसके प्रिंसिपल की बात करें, ठीक है, तो इसमें क्या होता है, यही आपका लिख देना कि जो हेमोटॉक्सिन और इओसिन स्टेन है, ये आपके हिस्टोपैथोलॉजी में सबसे ज्यादा यूज किया जाने वाला स्टेन है। इसमें हम क्या करते हैं, इसमें आपका जो हेमोटॉक्सिन होता है, ये आपके न्यूक्लियस को स्टेन करता है, और जो आपका ई यानी कि इओसिन होता है, ये आपके साइटोप्लाज्म को स्टेन करता है, और इओसिन और और इसमें एक मॉडेंट का भी उपयोग किया जाता है। किसका, मॉडेंट का उपयोग किया जाता है, जो कि आपका कौन सा हो सकता है, या फिर आपका एलम हो सकता है, या फिर आपका एक आयरन हो सकता है, ठीक है, जो कि आपके टिश्यू और आपके हीमोटॉक्सिन के लिंकेज का काम करता है, ठीक। और काउंटर स्टेन के लिए, यानी कि सबसे लास्ट का जो आपका इओसिन स्टेन होता है, आपका ये क्या होता है, इओसिन होता है। तो यही आपका मेनली क्या हो जाता है, प्रिंसिपल हो जाता है, कि हीमोटॉक्सिन और इओसिन स्टेन आपके हिस्टोपैथोलॉजी में कॉमन रूप से यूज किया जाने वाला स्टेन है। इस स्टेन में आपका जो हीमोटॉक्सिन होता है, ये न्यूक्लियस को रंगता है, और जो आपका इओसिन होता है, ये आपके साइटोप्लाज्म को रंगता है, और साथ में आपका जो हीमोटॉक्सिन के बीच, यानी हीमोटॉक्सिन और यो टिश्यू के बीच जो आपका एक और फंक्शन करता है, उसका नाम होता है मॉडेंट, जो कि एक लिंकेज का काम करता है। ये लिंकेज आपका एलम के रूप में भी हो सकता है, और आपके आयरन के रूप में हो सकता है। और अगर हम लास्ट यानी कि काउंटर स्टेन की बात करें, तो काउंटर स्टेन में हम इओसिन का उपयोग करते हैं, ठीक है। चलिए फ्रेंड्स, अब एच एंड ई के प्रोसीजर को देखते हैं। तो फ्रेंड्स, प्रोसीजर में क्या होता है, हमें स्टेप बाय स्टेप से गुजारना पड़ता है अपने टिश्यू सैंपल को, जिससे हमारा जो स्टेन है वो सही से हो पाए, जिससे हमारा जो टिश्यू है वो अच्छे से कलर हो पाए, उसके बाद में हम इसको अच्छे से एग्जामिन कर पाएंगे। जब तक कि हमारा स्टेनिंग सही से नहीं होगा, हम एग्जामिन सही से नहीं कर सकते हैं। तो फ्रेंड्स, सबसे पहले हम आपको ये बता देना चाहते हैं, अगर आप एक न्यू स्टूडेंट हैं, तो अगर आपका हिस्टोपैथोलॉजी का लैब है, तो लैब के साइड में कहीं पे एक स्टेनिंग रैक होगा, और इस स्टेनिंग रैक में यहाँ पे क्या क्या होगा, यहाँ पे एक आपका टोटी लगा होगा, ठीक है, पानी जिससे गिर सके। उसके बाद में यहाँ पे आपके जार रखे होंगे, ठीक है, स्टेनिंग जार जिसको कहते हैं, या फिर स्टेनिंग बॉक्स कह लीजिए। उस स्टेनिंग बॉक्स में आपके रिएजेंट रखे होंगे, जो जो यहाँ पे स्टेनिंग यानी प्रोसीजर में जो जो यहाँ पे रिएजेंट यूज किए जाएंगे, वो वहाँ पे रखे होंगे, उनको हम स्टेप बाय स्टेप क्या करेंगे, बदलते रहेंगे, और हमारा जो प्रोसीजर है वो क्या हो जाएगा, कंप्लीट हो जाएगा। अब फ्रेंड्स, अगर हम प्रोसीजर की बात करें, तो सबसे जो नंबर जो पहला प्रोसीजर आता है, वो होता है आपका जायरिन का, यानी कि आपका जो यहाँ पे स्टेनिंग जार रखा रहेगा, इस जार में आपका सबसे पहले जायलिन रखा रहेगा। और जायलिन का काम क्या होता है, तो फ्रेंड्स आप सभी लोग जान रहे होंगे कि जो हमारा हिस्टोपैथोलॉजी है, इसमें सबसे ज्यादा वर्क आपके बैक्स से होता है, ठीक है। तो बैक्स जो होते हैं, इसको अगर हमको रिमूव करना है, इसको क्लियर करना है, तो हम यहाँ पे जायलिन का उपयोग करते हैं। तो इसको आप क्लियरिंग एजेंट के रूप में भी जानते हैं। तो जायलिन को हम यहाँ पे क्यों यूज कर रहे हैं, क्योंकि जो हमारा टिश्यू है, जो हमारा स्लाइन में टिश्यू लगा हुआ है, इसमें कुछ बैक्स भी लगे होंगे, तो इनको हमें रिमूव करना है, तो हम यहाँ पे जायलिन का उपयोग कर रहे हैं।
इस जैलन का उपयोग हम कितने देर के लिए करेंगे, एक मिनट के लिए करेंगे। यानी कि आपका जो ये स्टेनिंग बॉक्स था, इस बॉक्स में हम क्या करेंगे, अपने स्लाइड को डाल देंगे, ठीक है। और डालने के बाद हमको एक मिनट का इंतजार करना होगा। इंतजार करने के बाद हम क्या करेंगे, स्लाइड को निकालेंगे, उसके बाद में हमें क्या करना होगा, ब्लॉट करना होगा। अब आपके मन में आ रहा होगा ब्लॉट क्या होता है, तो देखिए आपका जो टिश्यू पेपर, वहीं बगल में आपके एक टिश्यू पेपर रखा होगा, इस टिश्यू पेपर में जो भी आपका जायरीन लगा होगा इसको क्या करना है, यहाँ से निकाल देना है, ठीक है। यानी कि आपके स्लाइड एकदम से यहाँ से पूरा भी वेट खत्म होना चाहिए, यानी कि आपका जो भी पानी है, जायरीन है, यहाँ से हटा होना चाहिए, ठीक है। तो इसको कहते हैं ब्लॉटिंग, ठीक है। तो स्लाइड को जायलिन से हटाने के बाद आप ब्लॉट कर लीजिए, ठीक है, टिश्यू पेपर की सहायता से। उसके बाद में फिर अपने स्लाइड को कहाँ पे रखिए, एल्कोहल वाले जार में रखिए। एल्कोहल वाले जार में कितने देर के रखेंगे, आप उसको एक मिनट के लिए रखेंगे। अभी एल्कोहल क्या कर रहा होता है, एल्कोहल आपके स्लाइड को क्या कर रहा होता है, फिक्स कर रहा होता है। क्या कर रहा होता है, फिक्स कर रहा होता है, ठीक है। तो फिक्सेटिंग के लिए हम यहाँ पे एल्कोहल का उपयोग कर रहे हैं, एक मिनट के लिए इसका उपयोग करेंगे। उसके बाद में फिर हम स्टेनिंग जार से इसको निकालेंगे। और हमारा एक दूसरा वहाँ पे जार रखा होगा जो कि आपके टैप वाटर के पास, टैप वाटर के मतलब यहाँ पे एक टंकी लगी होगी, वहाँ उसी के पास में एक रखा होगा, वहाँ पे क्या करेंगे, एक रनिंग वाटर कराएंगे। अब रनिंग वाटर कैसे कराएंगे, आप टोटी को क्या करिए, हल्का सा खोल दीजिए, ठीक है, धीरे धीरे वहां से पानी निकलता रहे, और आपके जो यहाँ पे स्लाइड रखे हुए जार में क्या करेंगे, धीरे धीरे यहाँ से क्या होने लगेंगे, ये साफ होने लगेंगे, जो भी आपका एल्कोहल था, जायलिन था, जो भी होगा यहाँ पे क्लीन होता रहेगा, और आपका जो स्लाइड है वहाँ पे जो भी आपके जो टिश्यू सैंपल थे वहाँ पे लगे रहेंगे, ठीक है, यानी कि वो फिक्स हो जाएंगे। उसके बाद में आपको क्या करना है, ठीक है, अब यहाँ पे ध्यान रखिएगा, ये 5 मिनट गलती से लग गया था, ठीक। अब जैसे भी एल्कोहल से आप रनिंग वाटर किए, रनिंग वाटर के बाद आपको सीधे यहाँ पे हीमोटॉक्सिन वाले जार में क्या करना है, रख देना है, जो कि आपका यहाँ पे न्यूक्लियस को क्या कर देगा, इसके स्टेन कर देगा। अब यहाँ पे ध्यान रखिएगा कि इस हीमोटॉक्सिन में आपका कोई ना कोई मॉडरेंट मिला होगा, ताकि आपके टिश्यू में अच्छे से यहाँ पे स्टेनिंग कर सके, क्योंकि दोनों के बीच में लिंकेज का काम करता है आपका मॉडरेंट, ठीक है। तो आप समझ गए होंगे, चाहे यहाँ पे, और ज्यादातर यहाँ पे कौन सा यहाँ पे लिया जाता है, आपका एलम ही लिया जाता है, ठीक है, एलम हीमोटॉक्सिन ज्यादातर उपयोग किया जाता है, ध्यान रखिएगा, ठीक है। तो इसको क्या करेंगे, जार में आप कितनी देर तक रखेंगे, अपने स्टेनिंग जार में आप इसको सबसे ज्यादा देर यानी कि 5 मिनट के लिए रखेंगे, ताकि अच्छे से आपका जो स्लाइड है वो क्या हो जाए, स्टेन हो जाए। उसके बाद में जस्ट उसको क्या करेंगे, 5 मिनट बाद उसको निकाल लेंगे। फिर आपको रनिंग वाटर करना है, हम आपको बता दिए रनिंग वाटर कैसे करना है, जस्ट आपको टैप वाटर के पास ले जाना है, यानी कि यहाँ पे जो आपकी टंकी लगी होगी, टंकी से आपके धीरे धीरे पानी गिर रहा होगा, वहां पे अपने जार को रखिए, ठीक है, फिर वहां से आपका पानी गिरना शुरू होगा, ठीक है, जार में, ठीक। और उसके बाद में पानी बहता रहेगा आपके जार से, और आपका जो यहाँ पे जो भी आपका स्लाइड है वो क्या हो जाएगा, क्लीन हो जाएगा, यानी कि जो फालतू चीजें हैं वो यहाँ पे हट जाएंगे, हीमोटॉक्सिन से आपका यहाँ पे जो स्लाइड है वो आपका स्टेन हुआ मिलेगा, ठीक है। अब फ्रेंड्स यहाँ पे ध्यान रखिएगा कि जब भी आप टैप वाटर में रखिए, तो टैप वाटर को फास्ट मत करिएगा, और थोड़ा सा जो पानी गिराइए, आप मान लीजिए ये आपका, ठीक है, जार है, यहाँ पे आपके स्लाइड रखे हुए हैं, तो पानी आप यहाँ पे कोने पे गिराइए, ठीक है, कहाँ पे गिराइए, आप ये कोने पे गिराइए, ताकि सीधे आपकी स्लाइड न पड़े, नहीं तो क्या हुआ कि आपको जो सैंपल लगा हुआ था, सैंपल भी हट जाएगा, स्टेनिंग को तो छोड़ दीजिए, स्टेनिंग बाद में होता रहेगा, ठीक है। तो रनिंग वाटर हीमोटॉक्सिन करने के बाद आप रनिंग वाटर करेंगे, रनिंग वाटर के बाद आप क्या करेंगे, डीकलराइजेशन पे आएंगे। अब फ्रेंड्स आपके मन में ये भी आ रहा होगा कि डीकलराइजेशन वाटर कहाँ से आ रहा है सर जी, डीकलराइज मतलब किसी चीज को हमको हटाना है क्या, जो हम कलर क्यों कर रहे हैं जब हमको डीकलराइज ही करना था। तो देखिए फ्रेंड्स, कभी कभी क्या होता है कि आप 5 मिनट दिए टाइम, अब मान लीजिए ज्यादा हो गया, नहीं ज्यादा कि आप टाइम वॉच लगा दिए हैं, तो कुल मिला के वो वहां पर स्टेनिंग कुछ ज्यादा ही हो जाता है, ठीक है। तो उस स्टेनिंग को कम करने के लिए, ठीक है, हमें क्या करना होता है, डीकलराइजेशन एजेंट का उपयोग करना होता है, जिससे हमारा जो स्टेन है वो क्या हो जाता है, हल्का हो जाता है, ठीक है, लाइट हो जाता है, जिससे हम उसको और अच्छे से एग्जामिन कर पाते हैं। तो डीकलराइजेशन के लिए हम यहाँ पे HCl का उपयोग कर रहे होते हैं, हमको उपयोग कैसे करना है इसको थोड़ा सा देखिएगा, ठीक है। रनिंग वाटर के बाद सीधे आप यहाँ पे एक आपका जार रखा होगा, ठीक है, यहाँ पे आपकी HCl रखा होगा, HCl में आप 2 डिप या 1 डिप लगाइएगा, ठीक है, 2 to 1 डिप लगाइए, ज्यादा नहीं, ठीक है। 2 to 1 डिप लगाने के बाद जस्ट आपको क्या करना है, यहाँ पे एक आपका वाटर रखा होगा, उस वाटर में 1 to 2 डिप लगाइए, ताकि आपका जो HCl है, एक्सेस वाला HCl, वो क्या जाए, हट जाए। फिर जैसे ही आपको वहां पे रनिंग वाटर कराने के बाद, या फिर मतलब वाटर में डिप करने के बाद, जस्ट आपको एक और जार यहाँ पे रखा होगा, जो कि आपके NaOH का होगा, उसमें आप इसको डाल दीजिए, ठीक है। अब इससे क्या होता है कि आपका जो HCl था ना, अगर आपका ज्यादा एक्सेस मात्रा में HCl ले लिए होंगे, तो NaOH के साथ रिएक्शन करके क्या हो जाएगा, वो न्यूट्रलाइज होगा, ठीक है। तो यहाँ पे देख पा रहे हैं कि हमारा जो एक्सेस स्टेनिंग था, यानी कि जो ज्यादा स्टेनिंग हो गया था, ओवर स्टेनिंग हो गया था,
वो स्टेनिंग हट जा रहा है और उसके बाद में अगर HCl का क्रिया हो रहा है, ठीक है, यानी कि पूरे स्टेन को साफ करने की कोशिश कर रहा है, तो जस्ट उसको हम NaOH में डाल देते हैं। और NaOH में जैसे डालते हैं, हमारे जो क्रिया है ना, जो हमारा रिएक्शन है, न्यूट्रलाइजेशन का रिएक्शन हो जाता है और हमारा जो ये सैंपल का जो डिक्लाइजेशन है वो क्या हो जाता है, रुक जाता है। ठीक है, अब उसके बाद जैसे डिक्लाइज वाला यानी कि NaOH के बाद फिर आपको एक बार क्या करना होगा, रनिंग वाटर करना होगा। तो वही स्टेप, आप टैप वाटर के पास जाइए, रनिंग वाटर करा दीजिए। उसके रनिंग वाटर कराने के जस्ट बाद आपको क्या करना है, आपको ईओसिन वाले जार में इसको क्या करना है, डिप कराना है। डिप मतलब कि आपको क्या करना है, 30 सेकंड के लिए क्या करना है, वो डिप कराना है। तो आप ध्यान रखिए 30 सेकंड तक ही, ज्यादातर मतलब ज्यादा देर तक मत कराइए, 30-25 ठीक है तक आप इसको डिप कराइए और उसके बाद में इसको आप निकाल लीजिए। उसके बाद में फिर आप एक बार इसको अल्कोहल में डिप करा दीजिए, कितना डिप, 1 डिप, ठीक है, 1 डिप जैसे कराएंगे उसके बाद में फिर आप उसको ब्लॉट कर लीजिए, यानी कि जो भी आपका एक्सेस यहाँ पे स्टेनिंग लगा हुआ है वो वहाँ पे टिश्यू पेपर के द्वारा हट जाए। ठीक है, अब यहाँ पे एक नोट करने की पॉइंट ये है कि जब भी आप काउंटर स्टेनिंग करें, ठीक है, ईओसिन को आप यहाँ पे काउंटर स्टेन के रूप में यूज कर रहे हैं, तो ध्यान रखिएगा चाहे आपका FB स्टेन हो, चाहे आपका कोई और स्टेन हो, ठीक है, चाहे आपका पैप स्टेन हो, चाहे आपका ग्राम स्टेन हो, चाहे आप एसेंडी स्टेन यूज करें, इसमें कोई भी आपका जो काउंटर स्टेन होता है फ्रेंड्स, ये आपके सेकेंड में होता है। ठीक है, और ज्यादातर जो सेकेंड यूज किया जाता है वो 30 से 60 सेकेंड यहाँ पे उपयोग किया जाता है। ठीक है, तो ज्यादातर ध्यान रखिएगा जो काउंटर स्टेन होते हैं उनको हम यहाँ पे सेकेंड में यूज करते हैं, तो टाइमिंग वैसे ही आपको भूलेगा नहीं, 30 सेकेंड यहाँ पे मेंशन कर दीजिएगा। ठीक है, हीमोटॉक्सिन यहाँ पे हम 5 मिनट के लिए यूज कर रहे हैं और ये जो आपका रनिंग वाटर है 1 मिनट तक यहाँ पे आप इसको यूज कर सकते हैं। ठीक है, ये भी आप ध्यान रखिएगा। तो कुल मिलाकर आपको यहाँ पे समझ में आ गया होगा प्रोसीजर, सबसे पहला स्टेप जायलिन, जायलिन के बाद आप ब्लॉट करिए, ब्लॉट करने के बाद एल्कोहल करिए, एल्कोहल आप यहाँ पे आपके सैंपल को फिक्स कर देगा, फिर आप उसको रनिंग वाटर कर दीजिए, रनिंग वाटर के बाद जस्ट आप हीमोटॉक्सिन को 5 मिनट के लिए रखिए, फिर रनिंग वाटर करिए, फिर आप डीकलराइजेशन का यूज कीजिए। डीकलराइजेशन में आप किस तरह से यूज करेंगे, सबसे पहले आप HCl में डिप करिए, HCl में डिप करने के बाद इसको वाटर में डिप करिए, वाटर में डिप करने के बाद जस्ट इसको NaOH में डिप करिए। ठीक है, ये आपका यहाँ पे ऐसे जार रखा रहेगा तीनों, ठीक है, ये आपका वाटर का हो गया, ये आपके HCl का हो गया, आपके NaOH का हो गया, जस्ट इसमें 1 डिप HCl, ठीक है, उसके बाद वाटर, उसके बाद NaOH, ठीक है, तो उसके बाद में आपका जो भी है न्यूट्रलाइज हो जाएगा। ठीक है, एक्सेस आपका डिक्लाइजेशन नहीं होगा। उसके बाद में फिर आप रनिंग वाटर, फिर आप काउंटर स्टेन ईओसिन का उपयोग करिए। ईओसिन आपके किसको स्टेन कर रहा होता है, आपके साइटोप्लाज्म को स्टेन कर रहा होता है और आप हीमोटॉक्सिन जो है आपके न्यूक्लियस को स्टेन कर रहा होता है। ठीक है, चलिए फ्रेंड्स यहाँ पे आप देख लेते हैं कि अगर हमारा स्टेनिंग हो गया है, ब्लॉटिंग हो गया है, ब्लॉटिंग करने के बाद एक स्टेप आता है माउंटिंग का। ठीक है, तो 5 मिनट का ये लेक्चर रहेगा, नेक्स्ट लेक्चर में इसको हम बता देंगे, कभी भी बता देंगे ब्लॉटिंग करना होता है, ब्लॉटिंग करने से हमें क्या फायदा होता है ये सब हम आपको वहीं पे बता देंगे। ब्लॉटिंग करने के बाद आपका जो स्लाइड है वो एग्जामिन करने के लिए तैयार है। ठीक है, अब आप इसको जब माइक्रोस्कोप के पास ले जाते हैं, माइक्रोस्कोप को सेट करते हैं, उसके बाद में जब आप सेल्स को देखने लगते हैं तो सेल्स किस किस कलर के दिखाई देते हैं इसको भी थोड़ा सा आप जान लीजिए। ठीक है, तो आपका जो साइटोप्लाज्म है फ्रेंड्स, ठीक है, साइटोप्लाज्म है जो कि आपके ईओसिन के द्वारा स्टेन किया गया है, ये किस कलर का दिखेगा, ये आपके पिंक कलर का दिखाई देगा। ठीक है, किस कलर का दिखाई देगा, पिंक कलर का दिखाई देगा। ठीक है, ध्यान रखिएगा जो आपका साइटोप्लाज्म है आपके पिंक कलर का दिखाई देगा, उसके बाद में आपका जो न्यूक्लियस है, ठीक है, आपका जो न्यूक्लियस है, ठीक है, इस कलर का दिखाई देगा, न्यूक्लियस आपके किस कलर का दिखाई देगा, ये आपके पर्पल या फिर ब्लू कलर का, तो यहाँ पे ब्लू ही मेंशन कर दीजिए, ब्लू कलर का दिखाई देगा। ठीक है, किस कलर का दिखाई देगा, ब्लू कलर का दिखाई देगा। और यहाँ पे एक मेंशन कर देते हैं, जो आपके यहाँ पे रेड सेल मान लीजिए दिख रहे हैं, तो ठीक है, RBC मान लो दिख रहे हैं, तो ये किस कलर के दिखाएंगे, आपके ऑरेंज रेड कलर के दिखाई देंगे। किस कलर के, ऑरेंज रेड कलर के दिखाई देंगे। और यहाँ पे एक जान लीजिए, मान लीजिए आपके यहाँ पे मसल्स फाइबर है, ठीक है, क्या है, मसल्स फाइबर आपके हैं, ठीक है, मसल फाइबर हैं, तो ये किस कलर के दिखाई देंगे, तो ये आपके डीप पिंक कलर के दिखाई देंगे। किस कलर के, डीप पिंक कलर के दिखाई देंगे। ठीक है, तो कौन कौन सी चीज आप यहाँ पे देख पा रहे हैं, जो सेल होगा उसका जो साइटोप्लाज्म होगा वो आपका पिंक कलर का होगा, आपका जो न्यूक्लियस कलर का होगा ये आपके पर्पल या फिर ब्लू कलर का दिखाई देगा। ठीक है, जो आपके RBC मान लीजिए प्रेजेंट है आपके टिश्यू में, ठीक है, तो आपके किस कलर से, ऑरेंज रेड के कलर के, और जो आपके मसल्स फाइबर होंगे आपके डीप पिंक कलर के दिखाई देंगे। तो कुल मिला के फ्रेंड्स यहाँ पे आप लोग समझ गए होंगे सारी बातें कि हमारा जो प्रिंसिपल क्या है, किस बेस पे काम कर रहा होता है, प्रोसीजर क्या है, रिजल्ट में हम क्या देख पा रहे होंगे, उसके बाद में हीमोटॉक्सिन स्टेन क्या हो, सॉरी हीमोटॉक्सिन डाई क्या होता है, ईओसिन डाई क्या होता है। तो देखिए, जो नए स्टूडेंट है, जो फर्स्ट ईयर के स्टूडेंट्स है, उनके लिए जरूरी क्या हो जाता है, प्रोसीजर भी जरूरी हो जाता है। ठीक है, बट जो प्रिपरेशन कर रहे हैं, ठीक है,
उनके लिए क्या जरूरत होता है, डीप डिफ्यूजन से आपकी डाई क्या हो गया, ठीक है, हेमोटॉक्सिन कौन सी डाई है, इओसिन कौन सा इओसिन यहाँ पे एचएनडी में यूज कर रहे हैं, तो वाई वाला यूज कर रहे हैं यानी येलो वाला यूज कर रहे हैं, ठीक है। उसके बाद में क्या हो गया, जैसे मान लीजिए बेसिक डाई कौन सा है, ठीक है, एसडी डाई कौन सा है, हेमोटॉक्सिन को कहां से प्राप्त कर रहे हैं, तो कहां से प्राप्त कर रहे हैं फ्रेंड्स, इनको हम किस प्रकार से प्राप्त करते हैं, इसको हम कैम्चेनियम नामक पेड़ के तने से प्राप्त करते हैं, तो ये सब बातें ध्यान करना है, ठीक है। उसके बाद में कितने प्रकार के हो जाते हैं हेमोटॉक्सिन, तो कई प्रकार के हो जाते हैं, इनको फर्दर दो भाग में डिवाइड करते हैं, एक आयरन मॉडेंट के हिसाब से और इनके एक एलएम मॉडेंट के हिसाब से, ठीक है। ये मॉडेंट क्या होता है समझ गए होंगे कि ये लिंकेज का काम करता है टिशू और हेमोटॉक्सिन के बीच में। अभी मॉडेंट कहीं भी यूज हो सकता है, तुम समझिए कि डाई और टिशू के बीच के मॉडेंट का काम करता है, ठीक है। और हेमोटॉक्सिन में कौन मॉडेंट होता है, आयरन या फिर एलम होता है, ठीक है। तो इतनी सारी बातें आपको यहाँ पे क्लियर हो गई होंगी। आज का लेक्चर आपको कैसा लगा है कृपया इसको लाइक करके जरूर बताएं। अगर आपको कोई डाउट है ठीक है कमेंट कर सकते हैं, ठीक है। और कहीं मान लीजिए कोई मिसिंग हो गया है या फिर कोई गलती हो गई है तो उसको आप कमेंट के द्वारा मेंशन कर सकते हैं, या हमारा जो व्हाट्सएप नंबर है 6307 यहाँ पे मेंशन कर देना है 6307 8181 2 इस पे आप कमेंट कर सकते हैं, ठीक है।